तो जी मैं आ गई थी इधर इंदु के पास, और इंदु को भी जाना है बाजार और मुझे भी जाना है, तो हमें दोनों को थोड़ी सी करनी है शॉपिंग, और वो होने लग रही है तैयार। तो दिखाती हूँ मैं आपको अंदर जाके। और कृष्णा भी आ गया मेरे साथ, कृष्णा को भी तैयार करने, क्योंकि कृष्णा ने मेरे से उधर कपड़े नहीं बदलवाए थे और इसके चाचू चले गए छोड़ के हमें। हो गया तैयार तो। और यह देखो कृष्णा बाबू तैयार हो गए, और मुंह भी धो दिया इसका, मुंह भी धो धोया दिया गया, मुंह तो आंख तो धो खुलती दिया नहीं, मुंह। आंख नहीं खुलती और बस चलना जाना यार जाना। मुंह था नींद में चिप यो तो गया, बहुत देर चल के चली जाऊंगी दोनों, बहुत देर तो मैंने रोज नहीं रखा, बता कर दियो गिर गया जा नींद में। हाँ यो आंख भी नहीं इसकी, कुमे जब चलने कोई बैग उठा के मैं तो बाहर भी जा रहे, तेरी से तो सुन गया वहां जग जा रहे, और बस एकदम तो मैं भी जाऊंगी, आंख भी नहीं खुली इसकी ढंग से। फिर मैं कहने लगा चली सा भेज दे, नहीं तो रड़ावा यहाँ फिर अटकाना पड़ेगा लेनी से। ऐसे ही करते हो आप रोज रोज का ही काम है, टाइम पे ही उठेगा कतई। हैं ऐसे ही करते हो? पापा है नहीं पापा। तू क्या कह रही, तुझे पता पापा था ही नहीं वहां से, फिर क्यों गया था? पापा थे नहीं। कृष्णा भी तैयार हो रहा और इंदु भी हो गई, होगी तैयार। मैं तो तैयार, तो अब चलेंगे बाजार, देखते हैं क्या क्या लाना। तो क्या लाओगी? मैं तो जा तो कहीं लाऊंगी, बस जी जा गई, आ गई पता लगेगा क्या लाओगे, तो आके दिखाते हैं आपको जो भी सामान लाएंगे हम, ये भी मैं भी, तो आके दिखाते हैं क्या क्या लाना है। सूट सुंदर लग रहा पर जो भी हो और भी अच्छा लग रहा, दूर से तो डाल के पतली लगेगी यार इसमें, और भी अच्छा लग रहा रेड कलर, वो ज्यादा सुंदर लग रहा जो रखा तुमने अभी। फिटिंग करवानी पड़ेगी, पॉकेट है ना इनमें, ये तो सर्दियों के, ये तो चल जा भी लूज से, नीचे इनर डाल लो और वो करो, और कौन सा ब्लू ग्रीन ये वाला कह रही है, ब्लू ऑरेंज वाला, ये पजामा, पजामे ही सबके साथ है पजामा ना, अच्छा नहीं लग रहा, वही वाला अच्छा लगा सब तो शुरू वाला, ये डार्क कलर वाला दो, ब्लैक और ब्लैक देखिए मैं कौन सा देख रहा हूं, ये रहा यहीं पे, ये अभी ठीक सा लग रहा, ऊंचा है हाँ, ये तो ऊंचा ऐसा नहीं कटवाना, ये अभी ठीक लग रहा, इसके साथ रेड ना यो नहीं अच्छा लग रहा, कलर भी नहीं अच्छा लग रहा, ये रेड है कोई आगे नहीं है कोई कलर ना, ये ना ना ये तो बड़ा भड़काऊ सा रंग है, इसमें कलर मिल जाएंगे, इसका फूल वाला बाजू है, अच्छा हाँ ये ठीक लग रहा, सिंपल सा भी है, सिंपल का सिंपल, ये सुंदर लग रहा, एक तो वो जो नीचे ग्रे वाला रखा ना है सू, वो और एक ही है, आपको लंबा होएगा ना तो ये नीचे से ऐसे फोल्ड भी हो जाएगा, कटवाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतने नीचे तो वैसे चल भी जाओ, नीचे से भारी नहीं, इतना तो चल जाओ ऊंचा, देखे लगा के नहीं ठीक है, ये इतना नीचा नहीं है। शॉपिंग करके हम आ गए हैं और इधर ही आ गए, आज जो दोपहर का खाना इधर ही है, इंदु नु कहती रहा आती नहीं तू आती नहीं, तो मैंने सोचा चल आज का ढेरा यही डालते हैं, तो यही आ गए हम, और बच्चे आ गए हैं स्कूल से, पीयू भी और ईशु भी,
गुड्डू अभी नहीं आए, गुड्डू थोड़ी देर में आएगी, उधर से ही उसके चाचू लेके आएंगे उसको, क्योंकि उसका जो बस स्टैंड है उधर ही पड़ता है। और इंदू लगी हुई है अब खाना बनाने में, थोड़े से लेट हो गया क्योंकि मार्केट में हमें देर लग गई, देर से ही गए थे। क्या क्या बना दूंगी, चावल पनीर, गुड्डू पनीर खा रहे ना। अच्छा, गुड्डू की फेवरेट डिश बनेगी पनीर गुड्डू और भैया दोनों की है। दोनों को चावे चाहे दोनों टाइम दे दो। तो यहाँ इंदू बनाने लग रही है खाना, मैं भी इसकी हेल्प करा देती हूँ, तो बस फिर खाएंगे खाना। और फिर जो सामान लाए हैं वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी थोड़ी देर में। हाँ जी, शॉपिंग करके हम आ गए थे और खाना पीना खाकर थोड़ी देर आराम भी कर लिया, आलस सारा भी सोने का मन कर रहा, ठंड भी तो ज्यादा लगे है, यूं लगे बस धूप भी नहीं है, बादल हो रहा था, धूप में बैठ जाओ तो ज्यादा ठंड लग रही है, नहीं वो धूप नहीं है ना वहाँ, धूप में बैठ जाओ तो इसलिए लगे है, यहाँ थोड़ा बंद सा था इसलिए तो लगे जैसा बंद सा हो ना तो उसमें ज्यादा लगे। तो जी जो खरीद कर लाया है वो दिखा देते हैं आपको, और ये है सबसे पहले ये है कृष्णा की जर्सी, और उसकी रुई और पीयू की भी थी, मैं दोनों अपनी पैर का जाली अच्छा रुई तो पैर का जाली, और ये कृष्णा की और एक रुई की एक पीयू की, तीनों की एक एक स्वेटर लाई, ये लाई हिंदू तीनों की, तो गई तो थी पैंट लेने और फिर जर्सी ले आई, पैसे भूल गई थी बताया इसकी अकल की बात, यार गई दुकान पे, यहाँ इसने मुझे भी फोन करा कहा जा मैं भी आ गई, दोनों को हमें जाना था चल लिया होंगे, लेने आ गई थी अब जा लिए दोनों, अब वहां जाकर रुक गया, हो मेरे तो पैसे नहीं याद रहे, परस मंदिर तो ही लिया था, परस मंदिर लिया था जा लिया वहां से बाजार वहां जैसे ऐसे काम कर रहे हैं, थी बेटे अरे देखा इतना है तो वहां इसके पैसे ले जाने याद नहीं रहे, फिर बात लाऊंगे। तो ये है कृष्णा की जर्सी और ये है गुड्डू का टॉप है, तो थोड़ा सा बड़ा ऐसे मैं गुड्डू के लिए लाई, अगर उसे अच्छा लगेगा, देखिए गुड्डू बहुत सुंदर लग रहा आ जाएगा वैसे भी, तो ये थोड़ा लॉन्ग है अच्छा लग रहा था, तो इंदू कोई डाल लो एक साइज हो गया, ये है पीयू की जर्सी सेम ऐसी वो ब्लू कलर में, वो स्काई ब्लू है, ये उसकी पीयू की अच्छा लग रहा ना गुड्डू बहुत सुंदर लग रहा, और एक ये है ये भी गुड्डू का ही है, ये छोटा है इससे, ये इससे छोटा है, ये पिंक वाला लंबा इतने लग, और इनका जो कपड़ा है ना बिल्कुल सॉफ्ट है, बिल्कुल सॉफ्ट है एकदम, तो ये अच्छे लग रहे थे, वैसे मैं ज्यादा लेट नहीं गई थी, अब लेट गई थी ये तो इतना कम करे वहां तो इतना कई दड़ी थे ले ले असल में क्या मैं इतना लेने नहीं गई थी, मुझे तो ये था एक आज अपना नाइट सूट लाऊंगी, अब वो लाई नहीं बढ़िया नहीं थे, ले तो लिए थे वे हमने, फिर भैया ने निकलवा के दर दिया कि ये बढ़िया नहीं है, तो ये गुड्डू के है दो टॉप मतलब फिनिशिंग भी बिल्कुल अलग दिख रही, और ये है एक मेरी जर्सी बिल्कुल सॉफ्ट कपड़े में, बारीक वाला कपड़ा है ना, आराम से डाल लो, ये जब मैं पहन रही थी ना मोटे मोटे वाली थी, तो जब मैं कपड़े से लगे बोरे से लगे, मैं तो उनका कुछ बना कर गया, ये है एक जर्सी लेके आई मैं, ये है गाजरी कलर की है ना, इनके जो ये है ना मार्क आये वो फिनिश लग रहा है, इनका तो डिजाइन देख लिए तुम, और एक ये तो इसकी तो बनाई भी दूसरी है सुबह होकर ऐसी अलग अलग होकर नहीं, सबके अलग अलग डिजाइन थे इनके, ये ब्लैक कलर की, ये ब्लैक ब्लैक कलर की मुझे सबसे अच्छी लगी, और ब्लैक में मैंने आज तक पहनी भी नहीं, ब्लैक जर्सी मैंने पहनी नहीं आज तक, बिल्कुल बारीक है इस कलर की, जब मेरी शादी हुई थी इस कलर की ली थी मैंने पहली बार जर्सी, अरे ली वो मोटी मोटी सी थी, यही से ही ली थी, वो मैं भी इसकी माजी पहन मम्मी को देखा मैंने दिक्कत पहने हुए, तो ये ब्लैक कलर की अभी बहुत सुंदर लग रही है, और बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट कपड़ा, यहाँ ऐसा लेने में कंफ्यूज हो रही थी लेऊं नहीं लेऊं, पर ब्लैक कलर ना ऐसा किसी पर भी डाल लो एकदम से लुक सी आ जाए ब्लैक, अरे तीन चार ले ली थी वैसे मैंने, असल में क्या हुआ गुड्डू के लेने का नहीं था गुड्डू के कपड़े, तो मैं अपने अपने लेने गई थी, फिर ये कहने लगी गुड्डू के लिए ये ले ला,
फिर जब गुड्डू के लिए तो अपने तो निकालना ही पड़ेगा भाई, अपना बजट देखना पड़ेगा। फिर जर्सी भी ले ली थी, फिर एक दो चीज और देखी वहां से, तो फिर लगा मैं गर्म ही है इतनी, चाहे जर्सी ले लो, मैं कुर्ते से गर्म ले लें तो ये सब पर फिर जर्सी कहाँ पहनी जाओ। ये लाई है सूट अपना एक गर्म पजामे वाला, गर्म सूट अमिताभ बच्चन वाला पजामा है इसका, ये फूल सके ये लाई ना गर्म सूट, ये बस जर्सी इसीलिए निकाल लिया ये, अगर जितने में दो जर्सी आपकी जितने का हाँ, ये भी पैसे बच जाते जितने का भी आया तो एक ये लेके आई हूँ। ऐसे कलर तो हमें दूसरा पसंद आ रहा था वहां पे, और वो सुंदर लग रहा था ज्यादा, वो था ग्रे और ब्लैक, ग्रे ब्लैक था। लेकिन उसकी जो लेंथ थी वो बहुत ज्यादा लंबी थी, कटिंग हो गया था उसका, मतलब जो ग्रेस था वो खराब हो जाता, तो इसलिए फिर ये ब्लू कलर में लिया। अच्छा तो ये भी लग रहा, ये अपनी जगह, लेकिन जो चीज एक बार देखता है ज्यादा अच्छी लग रही थी, तो ये है सुंदर लग रहा। हाँ तो बस बनाया भैया, ये तो मैं कपड़ा लिया ही थी सूट, तो मुझे बनाना है इसके, बनाएंगे बेडशीट, और देखती हूँ मेरा टाइम लगा मैं बना दूंगी, इसके चाचू का लगा, मैं वीडियो वगैरह बनाते हैं तो वे बना देंगे, जो दीवान है ना बाहर उसके ऊपर बेडशीट बनानी मुझे, और ये थोड़ा सा सेमिल का कपड़ा है, और गर्म मतलब आजकल जो मौसम है उसमें अच्छा रहेगा, अच्छा अगर इसके नीचे कपड़ा कॉटन का लगा देंगे जब ज्यादा अच्छा हो जाएगा, रुक जाएगी नहीं तो चिपक जाएगी, इस पर नीचे कॉटन की चादर लगा देंगे, उसमें भी कर देंगे, तो ये लेके आए उसके लिए, वैसे तो ये सूट का कपड़ा था तो इसका चाहे इसका नहीं बस खुलो खुलो सा, जो ये है बहुत अच्छा है, अरे पूरा ज्यादा है, इसमें तकिया भी दो आराम तो बन, एक तकिया निकलेगा क्योंकि वो दीवान भी बड़ा है ना, नहीं जैसा दो तनों निकल जाए, अगर पीछे की तरफ दूसरा कपड़ा लगा हुआ है ना ऊपर ऊपर ऐसा रखा है तो एक निकल जाएगा, अन्य तो नू बनागा ना तो फिर एक ही बनागा, चल वो तो भैया देखा, तो पल नहीं पड़ता है सिलाई का काम करता है, दिमाग में तो आओ जहाँ चीज अगर बनती नहीं है हमारे, आओ तो जहाँ जब मशीन लेकर बैठे वो मशीन चलती पचास तो बढ़िया ही होने गया, बस छोटो करवा, असल में मैं इसीलिए लाई है जो दीवान है मेरा उसके लिए, तो उस पर बेडशीट बना देंगे भैया, और उनकी वीडियो बन जाएगी और मेरी बेडशीट, तो मुझे सबसे अच्छा एक तो काले वाली जर्सी लगी, अरे ये गुड्डू का रेड वाला टॉप लगा, मतलब कपड़े तो सारे अच्छे पसंद भी थे मुझे, इसमें रेड भी थी लेकिन वो कलर मैंने पहना था, फिर ये भी रेड हो जाता, ये भी रेड हो जाता, इसका पता क्या है जैसा इसे नीचे डाल लो और इसके ऊपर ये डाल लो सुंदर लगे जैकेट सी बन जाओ, तो ये दोनों रेड और ब्लैक कभी खराब नहीं होते, मेरा क्या है जैसे मैं लेने जाऊँ घर तक, मैं सोच कर जाऊंगी मैं अपने डार्क कलर लूंगी वहाँ, मुझे मैंने तो इसे पहले लाइट ही दिखाए थे, नहीं लाई ये कह गई थी क्रीम कलर जो बदामी से में, मगर नहीं है ना इनका लाइट कलर अच्छे तो लगा है लेकिन इतने पहने नहीं जाते जितने धोए जाते, तो इसलिए अब मेरी ज्यादा जर्सी लाइट लाइट कलर की यार, इन्हें पहनू थोड़ी देर फिर टांग दू मगर निकाले हो जाए, तो इसलिए इनका मैं डार्क कलर ही ध्यान में रखकर लाई, मगर नहीं डार्क ही लूंगी लाइट ले देती, और इसकी चमक देखिए अच्छी लग रही है, रात को डाल लेना ऐसा फंक्शन वगैरह में सुंदर लगेगी, तो जी ये थी आज की हमारी शॉपिंग छोटी सी, और आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और कौन सा आपको सबसे अच्छा लगा इसमें, मतलब कौन सी जर्सी टॉप या फिर क्या आपको अच्छा लगा वो भी आप कमेंट करके जरूर बताना, तो फिर हम मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो में, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, तो तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।